मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर संजू में। आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी का जो समय है सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की, को डेली अपनी ब्लॉग में कुछ ना कुछ नेचर के बारे में बताता हूँ, फसलें इत्यादि जो भी चीज़ें मुझे दिखती है, जो मुझे लगता है कि इन सब को देख के आप भी नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पौधा है ये है अरबी का, तो देखिए छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, शायद आप लोगों ने इसकी कापली भी खाई होगी जो गांव में रहते होंगे। और अरबी की जो सब्जी होती है वो बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो ना, ये देखो ये है आड़ू का पेड़, इसमें छोटे आड़ू लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, जो बिल्कुल कच्चे हैं अभी। ये बड़े भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं बाद में जब पक जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है आड़ू का पेड़। पर देखिए खूबसूरत पक्षी वाइट वाइट कलर के देख रहे हो ना जो ये है, तो ये भी खेत थे कुछ समय पहले। मैं आया था तो यहाँ पे ये पूरे खेत, यहाँ पे भी फसल हो रखी थी, जहाँ पे वो नया घर बना हुआ है वहाँ पे भी खेत था। तो आजकल ऐसा हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा सब कुछ कब चेंज हो जा रहा है। कुछ समय बाद यहाँ देखना आप, ये खाली खेत जो दिख रहे हैं ना, यहाँ चारों ओर घर होंगे, तो एकदम से मतलब सब भरा भरा हो जाएगा। देखो वाइट वाइट पक्षी, पक्षी तो आप देख रहे हो ना, जैसे खेतों में कुछ खेती कुछ भी बीज बो तो एकदम से आते हैं पीछे से, तो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। बनी हुई है ना खेतों के बीच से, वैसे ही यहाँ पे भी बनने को जा रही है। तो मैंने बताया था ना आपको, आजकल प्लॉटिंग कितनी जल्दी हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ से भी रोड बनेगी अब। और फिर कुछ समय बाद ये खेत हैं जो ये भी बिक जाएंगे, यहाँ भी घर बन जाएगा। ये गन्ना बोया हुआ है लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा जा रखा है, इसकी खेत में ना पानी बहुत छोड़ रखा है, तो पता नहीं ये गन्ना ख़राब होता होगा या नहीं, इसका तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ये फसल की नहीं, इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा ना। पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तभी तो ये देखिए यहाँ ये खेत हमारे गेहूँ के हरे भरे, गन्ना सब कुछ यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो रही है। और ये कुदरत की देन है, इसके लिए मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहूँगा। आम के जो बगीचे हैं मेरे चारों ओर और लीची के बगीचे, यहाँ आके मतलब एक अलग ही शांति है, ना कोई शोर, खुली हवा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके ना। अब कुछ समय बाद यहाँ जो ये आम है लीची है, अभी तो कोर वगैरह लग रही है इन पे, धीरे धीरे फूल आ रहे हैं, तो उसके बाद कुछ समय बाद इन पे आम और लीची दिखाई पड़ेगी, तब भी आऊँगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। सुंदर लगते हैं पेड़ ना फलों से भरे हुए। इन पे पानी रोकने के लिए ना जो बरसात का जो पानी होता है, तो कुछ इस तरीके का गड्ढा बनाया जाता है ताकि जो पानी है ना वो पेड़ की जड़ों में ही जाए। आप सभी लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।